गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं WWE मनी इन द बैंक 2020 पे पर व्यू का रिव्यू। और जब से शो खत्म हुआ है मेरी हंसी नहीं रुक रही है। मुझे लग रहा है शौक है, पहले मुझे लग रहा था अरे क्या कर दिया, ये कचरा डिसीजन है, ये बहुत अच्छा भी हो सकता है। जो पूरी फीलिंग्स है इस समय मेरे दिमाग के अंदर गोल गोल घूम रही हैं और यहाँ पे मैं रिव्यू करने के लिए बैठ गया हूँ। जो आज हमें मनी इन द बैंक लैडर मैच देखने को मिला है गाइस WWE की तरफ से, बहुत बारी हम देखते हैं कि मनी इन द बैंक में हमें मोमेंट्स देखने को मिलते हैं कमाल के, हमें लैडर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं कमाल के। ये एक लैडर मैच नहीं था पहली बात तो, ये एक एंटरटेनिंग फन कॉमेडी स्किट थी जो ऐसे हम यूट्यूब वीडियोज की फॉर्म में देखते हैं। और मेरे हिसाब से बिल्कुल मुझे मजा आ गया इस मैच को देख के। रिजल्ट पे हम अभी आते हैं ऑब्वियसली, बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन WWE के बारे में हम तब से कह रहे हैं कि इस पूरे पैंडेमिक की सिचुएशन में एंटरटेनिंग नहीं है WWE। कुछ ऐसा करो कि लोगों को देखने में मजा आए। ये मनी इन द बैंक पेपरव्यू एक ऐसी चीज थी जो कि मुझे स्पेशली देखने में मजा आया। कुछ एक या दो मैचेस को अगर मैं हटा दूं तो हर चीज इस पूरे शो के अंदर जो हमें देखने को मिली वो काफी कमाल की थी, काफी अच्छी थी। और WWE ने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ एग्जीक्यूट करा है। मैं स्टार्ट करूंगा रिव्यू को गाइज अपने मनी इन द बैंक लैडर मैच से ही, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कमाल का पार्ट था। जो मोमेंट्स इसमें हमें देखने को मिले, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को जाके अगर आपको मनी इन द बैंक पसंद आई, अगर आप इस रिव्यू के लिए एक्साइटेड हैं क्योंकि ये वीडियो होने वाली है गाइस कमाल की। अगर आपको लग रहा है लंबी क्यों है तो एक कमाल की वीडियो भी होने वाली है, सिर्फ इस वजह से ये वीडियो लंबी है। तो फटाफट से नीचे जाकर लाइक दबाना है। 1000 गोल का क्या हम टारगेट रख सकते हैं रिव्यू के ऊपर मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कर देंगे तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि मनी इन द बैंक शो मुझे आज काफी पसंद आया। नोट्स मैं अपने खोल रहा हूं यहां पे और गाइस हम बात करेंगे सबसे पहले मनी इन द बैंक लैडर मैच की। जैसा कि हम जानते हैं ये होने वाला था ऑन दी WWE हेडक्वार्टर्स यानी कि इन स्टैमफर्ड कनेटिकट में हमें मैच देखने को मिलने वाला था। ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होकर रूफ तक सुपरस्टार्स को जाना था और रूफ पे जो मनी इन द बैंक निकालता वो बन जाता इस मैच का विनर। अब सीधे सीधे मैं यहां पे आपको विनर बताता हूं, जो कि मेंस मनी इन द बैंक का विनर रहा वो है ओटिस। जी हां, ओटिस जीत चुके हैं मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, जो कि अभी भी मुझसे यकीन नहीं हो रहा, उस पे हम आते हैं। और जो विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच जीती हैं गाइस वो हैं आस्का। तो ये दोनों विनर्स कंप्लीटली शॉकिंग है मेरे लिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज लगा एक बड़ा झटका क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होने वाला है। और WWE ने बिल्कुल ही कोई और रूट ले लिया मनी इन द बैंक के बारे में। अभी मैच स्टार्ट होता है गाइस, हमें देखने को मिलता है कि जितने भी मेंस सुपरस्टार हैं उन्होंने जिम में मैच को स्टार्ट किया और विमेन सुपरस्टार्स जो हैं वो बेसिकली एक कॉरिडोर में स्टार्ट करती हैं। और आस्का जो है सारी विमेन को एकदम से सरप्राइज कर देती हैं और फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग से वो नीचे कूद जाती हैं सबके ऊपर। तो इस तरीके से मैच स्टार्ट होता है और आस्का जो है वो लिफ्ट लेके भाग जाती हैं और बाकी सारी जो सुपरस्टार्स हैं वो जाती हैं सीढ़ियों से भाग भाग के कि ऊपर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। दूसरी तरफ अगर मैं मेंस की बात करूं तो यहां पे गाइस हमें बहुत ही कमाल की मोमेंट देखने को मिलती है। जिम में स्टार्ट होता है और सारे बंदे एकदम से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ओटिस जो है वो चेस्ट यानी कि बेंच प्रेस को उठाते हैं, पूरी रॉड पे वेट लगाता है खूब सारा। एजे स्टाइल्स को वो नीचे फेंकते हैं और उन पे रॉड रख के वहां से चले जाते हैं। एजे स्टाइल्स कहते हैं रे मिस्टीरियो को देख के, भाई मेरी मदद कर प्लीज, मेरे ऊपर से हटा। रे मिस्टीरियो कहता है भाई चलना निकल, मैं अभी तो इसी मैच का पार्ट हूं, मैं क्यों तेरी मदद करूं। एजे स्टाइल्स वहां पे पड़े रह जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी था। और ये नहीं, इसके बीच में हमें बहुत सारी मोमेंट्स देखने को मिली है इस पूरे मैच के अंदर, जो मैं फटाफट यहाँ पे कवर करता हूँ। पता भी नहीं मैं कितनी मोमेंट्स एक्चुअली मैं कवर कर पाऊंगा, मैं शायद इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मेरी बेस्ट मोमेंट्स क्या थी इस पूरे मैच के अंदर। तो जो इसके बाद हमें कमाल की मोमेंट देखने को मिलती है वो थी गाइज यहाँ पे जब रे मिस्टीरियो निकल रहे होते हैं साइड से, वो देखते हैं मुझे कहाँ जाना है और वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं वॉशरूम में आखिर कौन है। और वॉशरूम में हमें देखने को मिलते हैं ब्रूस प्रिचर्ड जो कि लीड क्रिएटिव है स्मैकडाउन के। हम जानते हैं कि शो कितना घटिया लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो इतना फनी थे कि वो आ रहे हैं बाहर और वो रे मिस्टीरियो को देख के इतने खुश हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो कहते हैं यार इसको टाइम नहीं दे सकता ज़्यादा, मुझे भागना पड़ेगा। तो ये कमाल की मोमेंट थी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि कॉन्फ्रेंस रूम में सारी फीमेल सुपरस्टार्स लड़ रही होती हैं और उसमें एक मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लटक रहा होता है ऊपर। अब डेना ब्रूक हम जानते हैं बहुत बड़ी नूब है, इसलिए वो टेबल पर चढ़ते हैं उस ब्रीफकेस को निकालते हैं और उनको लगता है इतना आसान था, मैं तो इस मैच को जीत गई। स्टेफनी आ जाती है अचानक से, स्टेफनी कहती है डेना ये एक कॉन्फ्रेंस रूम है और वो सिर्फ एक खिलौना है, तुम उसको निकाल के क्या खुश हो रही हो, असली मनी इन द बैंक ब्रीफकेस तो छत पे लटका हुआ है। तो यहाँ पे डेना ब्रूक कहते हैं अच्छा ऐसा भी है। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि डेना ब्रूक जो है वो एक नूब है और कार्मेला उन पर अटैक करती है वहां से और डेना ब्रूक इस मैच को यहाँ पे नहीं जीती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस कि एजे स्टाइल्स वापस आ चुके हैं, वो कॉरिडोर में इधर उधर घूम रहे हैं, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है। बाकी लोग कहाँ गए, वो रे मिस्टीरियो को ढूंढ रहे हैं
और वो एक फोटो को देखते हैं जिसमें अंडरटेकर बने होते हैं और उनको आ जाता है बहुत ही ज्यादा डर। यहाँ पे अंडरटेकर की फोटो देख के उनको यादें आने लग जाती हैं अपने रेसलमेनिया के मैच की। वो साइड वाला कमरा खोलते हैं और भाई पूरा कमरा नीला हो रखा है, उसमें कैस्केट पड़ा हुआ है, तो उनको और ज्यादा डर लगता है और वो कहते हैं नहीं भाई मैं तो इस कमरे से दूर ही रहूं तो अच्छा है। लेकिन एलिस्टर ब्लैक आ जाते हैं पीछे से, एजे स्टाइल्स को किक करते हैं और रूम के अंदर मार के गेट को बंद कर जाते हैं। तो एजे स्टाइल्स जो है अंडरटेकर की यादों में, अपने रेसलमेनिया के मैच की यादों में जो है उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा और समय बताया। उसके बाद जो सबसे कमाल की और फनी चीज हमें देखने को मिली जिसमें मैं पागल हो गया सच के गाइस, पॉल हेमन बैठे हुए हैं और पॉल हेमन पूरी केटरिंग की टेबल पर आराम से देख रहे हैं, अच्छा अच्छा आज ये भी खाने को है, ये भी खाने को है, आज मैं क्या खाऊंगा देखते हैं। और पॉल हेमन जैसे ही वहां पे बैठे होते हैं, इधर से मेंस के सारे सुपरस्टार्स, इधर से फीमेल के सारे सुपरस्टार्स वो यहाँ पे आ जाते हैं और सारा फेस टू फेस हो जाता है। यहाँ पे ओटिस पागल हो जाते हैं खाना को देख के। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ओटिस को जब खाना मिले तो ओटिस कैसे रिएक्ट करते हैं। ओटिस खाना फेंकते हैं पॉल हेमन के ऊपर और ये बेसिकली पूरी एक फूड फाइट के अंदर जो है वो टूट जाता है। बहुत फनी फूड फाइट थी, अलग अलग मोमेंट्स हमें देखने को मिली और एंड में गाइस हमें देखने को मिलता है कि नाया जैक्स और ओटिस एक दूसरे से फेस ऑफ करते हैं जैसे कि सबसे ज्यादा खाना कौन खाएगा। और यहाँ पे गाइस बेसिकली दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे भाई व्हाट द हेल, ये मैच है क्या है? लेकिन मैं फिर से आपको ये बात घुमा के बोलूंगा, एंटरटेनमेंट के लिए WWE ने इस चीज़ को करा था और मैं बिल्कुल इससे एंटरटेन हुआ, मेरी इस समय तक कोई कंप्लेंट नहीं थी। हम जानते हैं इस बार मनी इन द बैंक का थीम बिल्कुल अलग था, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसलिंग मैच कोई भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और इसलिए मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ओटिस जो है बेसिकली पेस्ट्री वाली जगहों पे चले जाते हैं और वहाँ जाते हैं जॉन लॉरेनाइटिस, people power, और वो कहते हैं कि ओटिस को मैं देख के बहुत खुश हूँ, लेकिन ओटिस क्या करते हैं पाई लेते हैं और मारते हैं उनके मुंह के ऊपर और वहां से चले जाते हैं भाग के क्योंकि भाई मैच भी तो जीतना है। उसके बाद फाइनली जिस सीन के लिए सबसे ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे प्रॉब्ली विंस मैकमैन का ऑफिस, लोगों को लग रहा था क्या हम सच में वहां पे जाएंगे, तो डैनियल ब्रायन और एजे स्टाइल्स लड़ते लड़ते पहुंच जाते हैं विंस के ऑफिस में। विंस कहते हैं तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और वो अंदर जाके इस तरीके से एक्ट करते हैं एजे और ब्रायन कि जैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गए और वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते, दोनों डरे हुए हैं। और विंस मैकमैन कहते हैं आउट, निकलो यहाँ से। और उसके बाद एजे स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन जाते जाते चेयर वेयर सही कर जा रहे हैं पूरे डर में, और विंस मैकमैन उसके बाद सैनिटाइजर निकाल के हाथ को सैनिटाइज करते हैं, तो ये बहुत फनी था। और फिर एजे स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन कमरे के बाहर जाके विंस मैकमैन की बेइज्जती कर रहे हैं जैसे हम लोग स्कूल में करते थे जब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आते थे, तो अल्टीमेट फन हो रहा था यहाँ पे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है आस्का जो ऊपर पहुंच चुके हैं काफी, वो एक स्वीपर से बहसने लग जाती हैं जैपनीज के अंदर, स्वीपर को समझ नहीं आ रहा भाई क्या है, पीछे से सारी वुमेन आ जाती हैं भागती हुई और डेना ब्रुक इतनी बड़ी नूब है उनको दिखा नहीं नीचे पानी गिरा हुआ है, और सेकेंड नूब मोमेंट फॉर डेना ब्रुक और वो यहाँ पे फिसल के नीचे गिर गई, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनका मैच खत्म हो गया था, उनको जो है वो चोट लग गई थी। उसके बाद गाइज हम फाइनली पहुँचते हैं ऊपर और जो सबसे पहले ऊपर पहुँचती है फीमेल सुपरस्टार्स गाइज वो होती हैं आस्का, लेसी एवंस और नाया जैक्स। तो इन तीनों के बीच में हमें फाइट देखने को मिलती है गाइज, और एंड में जो है सबसे लड़के इंक्लूडिंग बैरन कॉर्बिन जो कि सबसे पहले पहुँचे थे ऊपर इन द मेंस, तो बैरन कॉर्बिन ऊपर आते हैं और वो कोशिश करते हैं पहले ब्रीफकेस निकालने की, लेकिन आस्का उनको नीचे मार के गिरा देती हैं और उसके बाद आस्का जो है यहाँ पे जीत चुके हैं मनी इन द बैंक। तो जो एक्चुअल ओपिनियन है मेरा इसके बारे में, रिजल्ट के बारे में, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे लग रहा था कि शेना बेजलर जीतने वाली है, WWE ने हमें सरप्राइज करा, ऑब्वियसली शेना बेजलर के लिए अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब यह है कि विंस उनको उतना पसंद नहीं कर रहे हैं मेन रोस्टर पर। लेकिन इस पे मेरे बहुत सारे अलग अलग थॉट्स हैं जिसकी मैं बात करूँगा आने वाली आज की या कल की वीडियोस में, आराम से डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं कहीं जा रहा है, आज रिजल्ट्स की बात करते हैं इसमें सिर्फ। उसके बाद गाइस ओटिस आ जाते हैं ऊपर और हमें देखने को मिलती है पूरी मेंस की फाइट एजे स्टाइल्स के बीच में रे मिस्टीरियो, ओटिस और कॉर्बिन। कॉर्बिन जो है छत से नीचे फेंक देते हैं रे मिस्टीरियो और एलिस्टर ब्लैक को, हमें कुछ खास स्टंट नहीं देखने को मिला, ऐसे था जैसे रोप्स के ऊपर फेंका वैसे छत से नीचे फेंक दिया, नीचे क्या हुआ कोई गिरा कुछ नहीं हमें दिखाया गया, तो वो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ सा देखने को मिलेगा, तो यहां पे ऐसा नहीं हुआ गाइस। और उसके बाद फाइनली हमें देखने को मिलता है कि एंड में एजे स्टाइल्स और कॉर्बिन ऊपर चढ़ जाते हैं लैडर के और वो दोनों ही ब्रीफकेस निकाल लेते हैं जैसे कि रेसलमेनिया में हुआ था जॉन मॉरिसन के टाइम पे। और यहां पे जो है इलायस आ जाते हैं पीछे से और वो गिटार से अटैक करते हैं कॉर्बिन के ऊपर और कॉर्बिन नीचे गिर जाते हैं, और ये बहुत ही बकवास फिनिश था टू बी टोटली ऑनेस्ट। एजे स्टाइल्स के हाथ से ब्रीफकेस स्लिप हो जाता है और नीचे ओटिस खड़े होते हैं और ओटिस के हाथ में जाके ब्रीफकेस गिरता है और ओटिस इज द विनर। अब मुझे नहीं समझ आ रही अगर एजे स्टाइल्स के हाथ में ब्रीफकेस उस समय था तो एजे स्टाइल्स उस मैच को नहीं जीते, लेकिन भाई ये हमने क्या देख लिया है, ओटिस जीत चुके हैं मनी इन द बैंक, ही इज मिस्टर मनी इन द बैंक, और ये एब्सोल्युटली कमाल की चीज हमें देखने को मिली। तो
ओटिस यहाँ पे जीत चुके हैं और वो मनी इन द बैंक बन चुके हैं। क्या वो कैश इन करेंगे, क्या ओटिस अगले यूनिवर्सल चैंपियन है, बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में बात करेंगे। मुझे पता है आप लोगों के सवाल भी होंगे बहुत सारे, उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन गाइज अभी के लिए मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ और ओटिस और आस्का जो है वो बन चुके हैं मेन्स और वुमेन्स के मनी इन द बैंक मैच के विनर्स। अगली चीज की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बाकी शो में बहुत सारी चीजें हुई हैं। जो प्री शो में मैच देखने को मिला वो था जेफ हार्डी और सिजारो के बीच में। ये मैच काफी अच्छा में देखने को मिला दोनों के बीच में, जहाँ पे जेफ हार्डी जीत गए और ये प्री शो के हिसाब से मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा मैच था और होना नहीं चाहिए था प्री शो के ऊपर। आर ट्रूथ और एमवीपी वाला जो मैच था वो प्री शो पे देती डब्ल्यूडब्ल्यूई तो ये जो मेन कार्ड का शो था वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता, लेकिन यहाँ पे गाइज हार्डी जीत गए। मेन शो पे जो सबसे पहला मैच हमें देखने को मिलता है वो था गाइज द फेटल फोर वे टैग टीम मैच फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप बिटवीन द न्यू डे, जॉन मॉरिसन एंड द मिज, लूचा हाउस पार्टी और द फॉरगॉटन सन्स। अब मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट करा था कि फॉरगॉटन सन्स शायद जीत सकते हैं, लेकिन उनको जीतना नहीं चाहिए क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी टाइटल चेंज नहीं होने चाहिए। इसी वजह से जो है न्यू डे इस मैच को जीत चुके हैं, उन्होंने अपने टाइटल रिटेन कर लिए हैं। ये मैच अच्छा होने वाला था, ये बात हम जानते थे, ये मैच अच्छा था, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और सिंपली गाइज दिस वॉज अ ग्रेट मैच और कुछ खास यहाँ पे कहने के लिए है नहीं। जॉन मॉरिसन और ग्रैंड मेटा लीग दो ऐसे कंपेटिटर्स हैं जो कि स्टैंड आउट करे मेरे लिए इस मैच के अंदर। कमाल की कुछ मोमेंट्स हमें देखने को मिली और डेफिनेटली यहाँ पे न्यू डे ने टाइटल्स रिटेन कर लिए हैं। उसके बाद गाइज हमें देखने को मिलता है एमवीपी और आर्ट्रूथ का मैच, जो कि प्रॉबली लोएस्ट पार्ट था इस पूरे शो का, सबसे बेकार चीज थी। तो आर्ट्रूथ यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं एमवीपी का मैच से पहले और लैशली आ जाते हैं बाहर। लैशली एमवीपी को कहते हैं तुम रहने दो, मैं संभालता हूँ इसको, और लैशली यहाँ पे स्पीयर से हरा देते हैं आर्ट्रूथ को। तो कुछ भी खास यहाँ पे नहीं था। उसके बाद गाइज हमें देखने को मिलता है बेली अगेंस्ट टमीना फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। ये मैच ठीक ठाक था, जो मोमेंट और एंडिंग हमें देखने को मिली वो बेटर थी। तो होता क्या है यहाँ पे, बेली जो है पूरा पानी की बोतल लेके पानी फेंक देती है तमीना के चेहरे पर। तमीना हो जाती है पागल और वो अपना हर एक मूव हिट करती हैं टेबल के ऊपर, फेंकती हैं पहले अनाउंसर्स टेबल के ऊपर बेली को, उसके बाद उनको सुपर किक लगाती हैं, एक समोन ड्रॉप लगाती हैं, और जैसे ही वो पिन करने वाली होती हैं साशा आ जाती है रिंग के अंदर उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनको टच नहीं करती तो डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं होती और वो रिंग के बाहर भागती हैं। तमीना उनके पीछे चली जाती हैं, ये नहीं कि पहले पिन कर दूं बेली को, तो साशा के पीछे वो भागती हैं और इस चीज़ का फायदा उठा के बेली एकदम से रोल अप करती हैं तमीना को और वो इस मैच को जीत चुके हैं। साशा और बेली के ब्रेकअप के बारे में यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैच के बाद तमीना एक और समोन ड्रॉप लगाने की कोशिश करती हैं बेली, लेकिन साशा इस पर अटैक कर देती हैं तमीना को और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो बेली अभी भी चैंपियन है, जो कि एक सही डिसीजन है, यही होना चाहिए था और गाइज ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद गाइज हमें देखने को मिला फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप ब्रॉन स्ट्रोमैन अगेंस्ट ब्रे वायत। अब यहाँ पे ब्रे वायत की परफॉर्मेंस जैसी होनी चाहिए वैसी ही थी, ये मैच एवरेज से ऊपर था, ऐसा भी नहीं था बहुत ज्यादा कमाल है। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन को मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो मैंने उनसे एक्सपेक्ट करा था शायद उससे बेटर वो मुझे लगे इस मैच के अंदर, और उतनी बुरी उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी जितनी कि मैंने यहाँ पे सोची थी। तो हमें देखने को मिलता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन पहले तो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं ब्रे वायत को, लेकिन उसके बाद ब्रे वायत आ जाते हैं अपनी डोमिनेंस पे और वो सिस्टर एबिगेल लगाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन पे, जिससे वो किक आउट कर देते हैं। और उसके बाद ब्रॉन वापस आते हैं गाइज और वो मास्क पहन लेते हैं ब्लैक शीप वाला, जिसको देख के ब्रे वायत को लगता है कि फाइनली ब्रॉन मेरी बात मान गया और मुझे ज्वाइन करने वाला है। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन उनको यहाँ पे डबल गेम खेल जाते हैं और वो अपना मास्क उतारते हैं, मास्क को पैर से तोड़ देते हैं और उसके बाद अपनी पावर स्लैम लगा के ब्रे वायत को हरा देते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि ब्रे वायत हारेंगे क्योंकि वो अपने फीड वाले गिमिक में नहीं थे। और गाइज मैच के बाद जब ब्रॉन स्ट्रोमैन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो हम एकदम से वो फीड का स्टटर देखने को मिलता है पूरा स्क्रीन पे, जो कि एक कमाल की चीज़ है और ये बात क्लियर करती है कि जो नेक्स्ट मैच होने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए वो होगा बिटवीन द फीड ब्रे वायत एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन, जो कि एक अच्छी चीज है, एक्सपेक्टेड था लेकिन ऑब्वियसली यही होने वाला था। और उसके बाद गाइज मेन इवेंट में या फिर जो मेन इवेंट से पहले हमें मैच देखने को मिला फॉर द WWE चैंपियनशिप, ड्रू मैकइंटायर एंड द मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस। सबसे पहली चीज, सेथ रॉलिंस ने अपना थीम म्यूजिक चेंज कर दिया इस गिमिक के लिए, जो कि फाइनली एक अच्छी बात है क्योंकि मैं मसाया वाले गिमिक से थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाऊंगा जब भी थीम म्यूजिक बचेगा। पहले वाले थीम म्यूजिक से अच्छा ही थीम म्यूजिक मुझे नहीं लगा, लेकिन एक चेंज की यहाँ पे जरूरत थी। WWE ने इस कैरेक्टर को थोड़ा और बेटर कर दिया, इंप्रूव कर दिया, उसको एक अपनी पहचान दे दिया है, जो कि मुझे चीज पसंद आई। और इस मैच की मैं बात करूंगा इस, तो एब्सोल्युटली अमेजिंग, फैंटेस्टिक, कमाल का ये मैच था। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि रेसलिंग वाइज ये दोनों सुपरस्टार्स एक अच्छा मैच दे सकते हैं, लेकिन शायद इन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ के यहाँ पे परफॉर्म करा है। तो हमें एक मोमेंट देखने को मिलती है जहाँ पे सेथ रॉलिंस 3 बार फ्लाइंग नी लगाते हैं मैकइंटायर पे और मैकइंटायर जो है उसी का सेम रिस्पॉन्स देते हैं, 3 बार बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाते हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस के ऊपर। उसके बाद एक कमाल की, जो सबसे बेस्ट मोमेंट थी इस मैच की गाइज, हमें देखने को मिलती है कि ड्रू मैकइंटायर अपसाइड डाउन है टर्न बकल पे और सेथ रॉलिंस टॉप रोप पे हैं उसी टर्न बकल के ऊपर, और ड्रू मैकइंटायर अचानक से ऊपर अपने आप को लिफ्ट करते हैं
और सेथ रॉलिंस को पटक देते हैं दूसरी तरफ रिंग में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कमाल की मोमेंट थी। उसको मैं डेफिनेटली फिर से जाके देखने वाला हूँ, इतनी अच्छी ये मोमेंट थी। और जो एंडिंग पार्ट था इस मैच का वो भी काफी इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस सबसे पहले जो है क्लेमोर को रिवर्स करके स्टॉम्प लगाते हैं मैकइंटायर पे, जिससे मैकइंटायर फटाफट से किकआउट कर देते हैं। वो फिर से बहुत सारे मूव्स पे वन पे किकआउट कर रहे थे और मैकइंटायर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो है मैकइंटायर एक ग्लासगो किस लगाते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, सेथ एकदम से काउंटर करते हैं विद द सुपर किक, लेकिन मैकइंटायर भागते हुए आते हैं, क्लेमोर किक लगाते हैं और पिन कर देते हैं सेथ रॉलिंस को। मर्फी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिले, ऑथर्स ऑफ पेन देखने को नहीं मिले, कोई इंटरफेरेंस नहीं थी इस मैच के अंदर और मैकइंटायर क्लीन जीत चुके हैं, जिसका क्लियर मतलब यह है कि सेथ रॉलिंस की फ्यूड यहाँ पे खत्म हो चुकी है और रॉलिंस को एक और मौका नहीं मिलेगा फॉर द चैंपियनशिप। और मैकइंटायर गाइस अभी भी कमाल इसलिए हैं क्योंकि क्लेमोर फिनिशर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, फिनिशर इज अ फिनिशर। इस वजह से जब मैकइंटायर को 2-3 और महीने हो जाएंगे एज अ चैंपियन तो लोग फियर करेंगे और जो भी बंदा फाइनली मैकइंटायर को हराएगा उसका नाम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये चीज WWE परफेक्टली कर रही है। और मैच के बाद एक चीज जो थोड़ी ऑड लगी मुझे, सेथ रॉलिंस का हाथ मिलाते हैं ड्रू मैकइंटायर और एक स्पोर्ट्समैनशिप जिसको सेथ रॉलिंस एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पे गाइस हमें इस तरीके से इस मैच का एंड देखने को मिलता है। तो रॉलिंस जो है अब अपने रास्ते चले जाएंगे, उनके साथ आगे क्या हो सकता है उनके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन ये था गाइस मनी इन द बैंक 2020 का पेपरव्यू, बहुत अच्छा पेपरव्यू, बहुत सारी कमाल की चीजें। आप लोग मुझे बताएं कि किस टाइप की वीडियो आप देखना चाहेंगे इसके बाद, क्योंकि ये तो हो गए रिजल्ट्स और मेरा एक बेसिक अर्ली ओपिनियन कि क्या मुझे लगा है शो के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कर दे, जैसा कि मैं कह रहा हूँ 1000 लाइक अगर कर दिए किसी तरीके से भाई मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और बहुत ज्यादा टाइम दिया है इस शो को। अच्छी बात एक और थी कि शो उतना लंबा नहीं था, खिंचा नहीं, 7 भी नहीं बज रहे थे और शो खत्म हो गया, टीवी में दिखा रहा था 8:30 तक चलेगा, तो कमाल की बात ये भी है ज्यादा लंबा बैठना नहीं पड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं ज्यादा यहाँ पे बोल के आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, फिर से लाइक सब्सक्राइब शेयर। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।